चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात चांद की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में मौजूद रहेंगे। उनके साथ देश भर से चुने हुए बच्चे भी शामिल होंगे। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले प्रधानमंत्री ने भारत के इस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान को लेकर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, 130 करोड़ भारतीय जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है। अब से कुछ घंटों बाद चंद्रयान 2 दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। भारत सहित पूरी दुनिया एक बार फिर हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का अनुकरणीय कौशल देखेगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विधायकों और सांसदों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा उन्हें अदालतों में वकीलों की तरह प्रैक्टिस करने से रोकने की भी मांग की गई थी। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवा चुका पाकिस्तान युद्ध का ढोल पीट रहा है। तिलमिलाए पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के खिलाफ आखिरी गोली तक लड़ने की धमकी दे डाली। रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय में रक्षा और शहीद दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाजवा ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर किसी भी हद तक जाएंगे। उन्होंने अपने देश के इतिहास के खिलाफ बयान दिया कि पाकिस्तान दुनिया को शांति और सुरक्षा का संदेश दे रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं आरोपों से विचलित नहीं होता, मुझे राजनीति में 50 साल हो गए हैं। पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है उसे मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ता हूँ। इमरान खान के इशारे पर कश्मीर के लिए जन समर्थन जुटाने अमेरिका पहुंचे पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर बुरी तरह नाकाम हुए हैं। वो जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत के फैसले के खिलाफ किसी भी अमेरिकी राजनीतिज्ञ का समर्थन नहीं पा सके। भारतीय वायुसेना ने इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री के चयन का पहला चरण पूरा कर लिया है। चुनौते टेस्ट पायलटों को व्यापक शारीरिक व्यायाम परीक्षण, लैब जांच, रेडियोलॉजी परीक्षण, क्लिनिकल परीक्षण और मनोवैज्ञानिक के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन से होकर गुजरना पड़ा। जेएनयू की पूर्व छात्रा और टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य सहला रशीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। ये FIR सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की आपराधिक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। अलख की शिकायत में कथित तौर पर भारतीय सेना और भारतीय सरकार के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने के आरोप में शहला रशीद की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बता दें कि शहला ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर अगस्त के महीने में एक के बाद एक 10 ट्वीट किए थे जिसमें 9वें और 10वें नंबर पर कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी थी। संचार सेवाएं बंद होने से आतंकगढ़ कहलाने वाले दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में लोग दिक्कतों का सामना कर रहे थे, लेकिन पुलिस थानों में बनाए गए मुफ्त लैंडलाइन टेलीफोन केंद्रों ने उन्हें काफी राहत पहुंचाई। संचार पाबंदी के कारण कश्मीर घाटी से बाहर काम करने वालों के परिजन काफी परेशान थे और वो अपने रिश्तेदारों और परिचितों से बात करने के लिए बेताब थे। ऐसे मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार फिर मददगार बनकर सामने आई और सरकार ने सभी पुलिस थानों में टेलीफोन की व्यवस्था बनाई। अनंतनाग में कई स्थानों पर पुलिस के अधिकारी घर घर जाकर ये पूछते मिले कि आपको कहीं फोन तो नहीं करना है। घाटी के सेब की खुशबू और मिठास इस बार भी देश के आम लोगों की पहुंच में होगी। राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद उत्पन्न हालात के बीच राज्य प्रशासन ने कश्मीरी सेब को देश भर की मंडियों में पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। इसके तहत दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में मंडियों में ट्रांसपोर्टेशन तथा अन्य संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सेब उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की भी तैयारी है। इससे जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में
स्थिति में और सुधार आएगा और बिना किसी रोक टोक के कश्मीरी सेब देश भर की मंडियों में पहुंचेगा। दो दिन से चंद्रमा के चारों ओर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंडरा रहा भारत का चंद्रयान 2 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। लैंडिंग का समय करीब आते ही इसरो के वैज्ञानिकों सहित सभी की धड़कनें तेज होने लगी है। 978 करोड़ लागत वाले इस मिशन पर भारत सहित पूरी दुनिया की निगाह है। 1471 किलो के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो भारत ऐसा करने वाले दुनिया के 4 देशों में शामिल हो जाएगा। चंद्रमा पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही अपने यान उतार सका है। बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वैज्ञानिक लैंडिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी का ध्यान विक्रम की गतिविधि पर टिका है। इसरो अध्यक्ष के सिवन भी लैंडिंग को बेहद चुनौतीपूर्ण बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो पहुंचकर 70 स्कूली बच्चों के साथ सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखेंगे। पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत को दक्षिण कोरिया का खुला समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोरिया यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने ऐलान किया कि पाक अधिकृत कश्मीर में काम करने वाली अपनी कंपनियों को सरकार दोबारा 2014 में लागू की गई नीति के अनुसार कोई भी सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए कोरियन सरकार से बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं में निवेश को अवरुद्ध करने का आग्रह किया। भारतीय रक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से टक्कर लेने के लिए भारत और जापान साथ आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गुरुवार को हुई मुलाकात में इस रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन गई है। चीन इस क्षेत्र में लगातार अपने सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ओसाका में हुए G20 शिखर सम्मेलन के बाद दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने व्यापार, संस्कृति और रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने कई विषयों पर गहराई से बातचीत की। हमने विशेष रूप से हमारे देशों के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध और बेहतर करने पर बात की। दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए विभिन्न वैश्विक मंचों पर मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश सचिव विजय गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वार्ता हुई। इस मुद्दे पर भारत और जापान के समान विचार है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के 14 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते मुंबई का हाल बेहाल हुआ है। मुंबई से उड़ान भरने वाली 30 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, जबकि 118 में देरी हुई है। रेलवे ने भी ट्रैक डूबने से 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितना जरूरी सकल घरेलू उत्पाद GDP है, उतना ही जरूरी आम लोगों के लिए हैप्पीनेस प्रोग्राम है। पूर्व राष्ट्रपति ने NDMC कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनकी कैबिनेट, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट ने NIX मीडिया मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। तिहाड़ जेल में चिदम्बरम की एंट्री गेट नंबर 4 से हुई। गुरुवार को उनकी जेल में पहली रात थी। जेल में बंद करने से पहले चिदम्बरम का मेडिकल टेस्ट किया गया और फिर डिनर में रोटी, दाल और चावल दिया गया, जबकि आज सुबह नाश्ते में उन्हें पोहा और चाय दिया गया।
गौरतलब है कि रोज एवेन्यू कोर्ट ने चिदम्बरम के वकील की उनकी सीबीआई कस्टडी में ही रखने या घर पर नजरबंद रखने की दलील न मानते हुए 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पी चिदम्बरम को अदालत से मिले दो झटकों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट करते हुए पूछा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारी मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? सरकार, सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग अधिकारी, अदालतें। जिस दिन से अदालतें उसे सच मानने लगेंगी जो ईडी और सीबीआई कह रही है, तो उस दिन से भगवती से वेंकटाचलिया युग में निर्मित स्वतंत्रता के स्तंभ ढह जाएंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। देश की बड़ी दूध आपूर्ति करने वाली दूध कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से दिल्ली एनसीआर में गाय के दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ गई है। कंपनी ने नए दाम लागू होने के बाद गाय के दूध की कीमत 44 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो किसानों से कच्चा दूध खरीदने के लिए अधिक भुगतान कर रही है, जिसकी वजह से उसे गाय के दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।